लेकिन उसके पहले ही विपक्ष सत्र लंबा रखने की मांग को लेकर मोर्चा खोल चुका है। तो संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर विचार करने की बात को एक बार फिर से दोहराया है। कोरोना काल के चलते विधानसभा सत्र की अवधि कम रखी जाती थी, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सत्र लंबा रखने के लिए मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के पहले ही मानसून सत्र की अवधि ज्यादा रखने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सत्र में बैठक अधिक होने से प्रदेश को लाभ ही होगा। कांग्रेस की सरकार हर बार छोटे सत्र का आयोजन करती है। अब जो शासकीय कार्य होते हैं, जो विधि विषयक कार्य होते हैं, जो वित्तीय कार्य होते हैं, उसी के अनुसार विधानसभा का सत्र होता है। अब आने वाले समय में सत्र का तिथियां जब तय हो जाएंगी, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पे विचार भी किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि जो शासकीय कार्य होते हैं उसी के मुताबिक विधानसभा सत्र होता है। अगले कुछ दिनों में सत्र की अवधि तय की जाएगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर विचार भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में सत्रों को लेकर के कटौती की जा रही है। पिछला बजट सत्र छत्तीसगढ़ बनने के बाद में मैं समझता हूँ कि सबसे छोटा सत्र रहा है। इस बार इस सत्र में अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मैं विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मैं चाहूँगा कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, बल्कि लंबा सत्र होने से प्रदेश के सारे विषय आएंगे। कोरोना काल के दौरान भी विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। अब नेता प्रतिपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री ने भी विचार करने की बात कही है। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार भाजपा की इस मांग पर विचार करेगी या एक बार फिर से बीजेपी की मांग पर विचार महज औपचारिकता बनकर ही रह जाएगा। स्वप्निल गोरखेड़े, आईनिश 24/7, रायपुर।